इस कार्यक्रम की सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक और वास्तविक दोनों हैं। अगर किसी भी जीवित मृत भूत पिशाच चुड़ैल जिन या नेता से इनका कोई लेना देना होता है तो इसे बहुत सीरियसली ना लिया जाए। कार्यक्रम का मकसद सिर्फ आपको गुदगुदाना है और अनजाने में अगर किसी का दिल दुखता है तो बढ़िया चिकित्सक से इलाज करवाएं। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। नमस्कार जोहार, मेरा नाम अभिषेक भारती है। टीवी 45 आप देख रहे हैं और आपको मैं दिखा रहा हूँ अभिषेक भारती का उल्टा चश्मा। वो क्या है कि खबर तो आप देखते हैं लेकिन खबर को देखने का एक नया नज़रिया आपको बता रहा हूँ कि खबर देखिए लेकिन थोड़ा छटकारे के साथ। तो बने रहे मेरे साथ और देखिए अभिषेक भारती का उल्टा चश्मा। बीजेपी के साथ बहुत मजबूरी चल रहा है। वो क्या है कि लोकसभा में सभी का सभी आदिवासी सीट पर तो बीजेपी हार गई, तो अब बीजेपी करे क्या। अब आदिवासी चेहरों की अगर बात होती है तो बीजेपी में ले दे के सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा एक है, वो भी इम्पोर्टेड माल है, बाबूलाल मरांडी। अब भाई वो दूसरा दल से आए हैं तो अभी तक दल बदल का मामला चल रहा है तो हम तो इम्पोर्टेड माल कहेंगे, चूँकि बाबूलाल मरांडी गए थे ना कि भाई बीजेपी में शामिल होने से पहले हम कुतुब मीनार से कूदना पसंद करेंगे, लेकिन कुतुब मीनार वहीं रह गया। बाबूलाल मरांडी जो है वो JVM से बीजेपी में कूद गए, JVM से बीजेपी में विलय कर दी। अब ले दे के एक तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा था, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान तो बोले कि बाबूलाल मरांडी पर हमको पूरा यकीन है। हुजूर यकीन नहीं कहते हैं इसको, इसको कहते हैं मजबूरी, आप मजबूर थे। बहरहाल चलिए, बाबूलाल मरांडी तो मजबूरी हैं तो उनका कद बढ़िया रहा है, चाहे सीट हारें चाहे सीट जीतें। एकमात्र ऑप्शन इसके अलावा अर्जुन मुंडा रह जाते हैं, इसके अलावा आसपास में कोई उस कद का नेता तो दिखता नहीं। हाँ, अब दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत यह आती है कि कद घटने बढ़ने में सीता सोरेन बेचारी परिवार और पार्टी दोनों छोड़ करके आई बीजेपी में, लेकिन सीता सोरेन का कद जो है वो घट गया। सीता सोरेन सोच रही होंगी चुनाव हम ही खाली थोड़ी हारे, चुनाव तो गीता कोड़ा भी हारी, लेकिन गीता कोड़ा का सुन रहे हैं कि कद जो है ऊपर गया है। ऐसे आप सोच रहे होंगे ना कि कैसे, ऐसे कि गीता कोड़ा को दो दो विधानसभा सभा समिति का सदस्य बना लिया गया। कौन कौन सा भाई, एक ठो आरोप पत्र समिति का और एक ठो घोषणा पत्र समिति का। मतलब बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर के JMM पर जो भी आरोप लगाएगी तो उस आरोपों में एक हिस्सा जो होगा वो गीता कोड़ा का होगा, जबकि जो भी विधानसभा चुनाव को लेकर के घोषणाएं करेगी उन तमाम घोषणाओं में भी एक हिस्सा गीता कोड़ा का होगा। लेकिन सीता सोरेन का क्या होगा, सीता सोरेन का वही होगा जो मंजूर भोले बाबा होगा।